दोस्तों हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूँ कि जो इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट होता है, जो भी आदमी जो भी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जो भी कोर्स किया, वो कोर्स का करने के बाद वो जो सर्टिफिकेट होता है उसको अटेस्टेशन करता है नहीं करता है, और करने के लिए क्या फ़ायदा है और नहीं करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, सही है। तो उसमें आज हम बात करेंगे कि सर्टिफिकेट अटेस्टेशन, सही है। जितना भी इंजीनियरिंग किया है आदमी लोग, जो भी डिप्लोमा किया है या अपना जो भी बीटेक किया है, जो भी कोर्स आप लोग किया है, तो वो सर्टिफिकेट जो होता है उसको आप लोग इंडिया में हैं तो इंडिया का अंदर अटेस्टेशन के लिए उसको रिक्वेस्ट भेजिए, उसको दे दीजिए, जिस वजह से आपको अटेस्टेड होने के बाद आपको कोई भी कंपनी आसान से आपको जॉब दे देगा। गल्फ कंट्री में कोई भी कंपनी है, जैसे नॉर्मल सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको जितना थोड़ा टाइम लगेगा या प्रॉब्लम होगा जॉब मिलने के लिए, लेकिन जब अटेस्टेशन का सर्टिफिकेट होगा तो उसमें वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। वो इंडिया का जो पैसा है शायद 10 से 12 हज़ार रुपया खर्चा होता है इंडिया में अटेस्टेशन करने के लिए, और यहाँ आने के बाद जो आदमी यहाँ आ गया गल्फ कंट्री में है, कोई भी कंट्री में वो है गल्फ के अंदर, तो वो भी इधर से भी उसको अटेस्टेशन कर सकता है। उसको यहाँ का 1000-1200 दिराम ऐसा ही कुछ लगता है, सही है। तो कम होगा कि अपना मुल्क से आप लोग अटेस्टेशन करके लेकर आएगा तो अच्छा रहेगा, सही है। और अटेस्टेशन में क्या फ़ायदा है, ये फ़ायदा है कि जैसे हम लोग ये कंट्री में आ गया, अपना गल्फ कंट्री में आ गया, कि हम लोग कोई भी यूरोप कंट्री में हम लोग गया, तो हमारा सर्टिफिकेट का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। क्यों, वो ओरिजिनल हमारा गवर्नमेंट का अप्रूवल, हर जो ऑफिस है उसका ऑफिस का ऊपर उसमें बहुत सारे स्टाम्प लगाएगा, हर एक डिवीज़न उसमें अप्रूव करेगा ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये ओरिजिनल कोर्स किया है लड़का, और ये टैलेंट है इसका अंदर, और ये जो स्टाम्प सब लोग जो मारेगा वो एक एक मोहर जो मारेगा उसके ऊपर बहुत सारे वैल्यू रहता है, जिस वजह से कोई भी कंपनी आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी काम मिल जाएगा। गल्फ कंट्री आप लोग आएगा तो आपका अटेस्टेशन है तो आपका सर्टिफिकेट, तो आपको कोई भी कंपनी जल्दी जॉब दे देगा। जैसे आप विजिट में आया है और आपको आपका सर्टिफिकेट अटेस्टेशन नहीं है तो आपको बहुत सारे कंपनी में ट्राई मारे रहेगा, जो कंपनी में ज़रूरत होगा ज़्यादा वो आपको ले लेगा। लेकिन अटेस्टेशन है तो जिस कंपनी में 10 आदमी ज़रूरत होगा और 40 आदमी खड़ा है, तो उसमें से जो 10 आदमी वो सिलेक्ट करेगा, उसमें से जो छाटेगा, तो उसमें अटेस्टेशन जिसको होगा वो एक नंबर दो नंबर में सिलेक्ट हो जाएगा। भले उसको काम का थोड़ा कम एक्सपीरियंस हो, यहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो, लेकिन उसका सर्टिफिकेट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, सही है। हर कंपनी में इधर आदमी जॉब करने जाने का टाइम पर आपका सर्टिफिकेट वो लोग पूछता है, आप क्या किया है, क्या कोर्स किया है, आपका टेक्निकली क्या है पढ़ाई, और आप उसका ऊपर कैसे किया है, कितना मार्क है आपका, कितना साल का आपका पढ़ाई है, वो सब का ऊपर वो लोग पूछता है। उसका बाद में देखेगा कि ये अटेस्टेशन है, ऑलरेडी अटेस्टेड सर्टिफिकेट इसका पास है, तो फिर आपको आसानी से वो जॉब पे ले लेगा। और यहाँ प्राइवेट जितना भी कंपनी है वो भी ले लेगा, और बाकी जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जो दुबई गवर्नमेंट का है या कोई भी अपना अपना जो गल्फ कंट्री का होता है, सऊदी, कुवैत, ओमान, मस्कट, जितना भी है वहाँ भी वो गवर्नमेंट का जो सेक्टर होता है, हर काम गवर्नमेंट पर। हम लोग जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जितना काम भी कंस्ट्रक्शन में हम लोग प्राइवेट प्रोजेक्ट में करता है, तो सेम भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का जो कंपनी है, जैसे फ्री जोन कंपनी हो गया, बहुत सारे कंपनी हो गया, वो लोग भी सेम काम करता है। सिर्फ वो लोग लेता है कि इसको चॉइस करके वो लोग यही आदमी चूज करता है जो आदमी टेक्निकली ज़्यादा नॉलेज होगा, या गोल्फ में एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा होगा, या उसका सर्टिफिकेट अटेस्टेशन होगा, सही है। तो इसी के लिए आप लोग जो भी अपना अपना मुल्क में है अपना सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करा लीजिए, वहाँ कम पे हो जाता है। यहाँ भी आने के बाद ऐसा नहीं है कि नहीं होएगा, आप यहाँ कोई कंपनी में लग जाएगा फिर उसका बाद सोचेगा मैं बाद में करेगा, वो भी कर सकता है, लेकिन पहले कंपनी में जॉब मिलने के लिए आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आपका टैलेंट का हिसाब से आपको सैलरी उतना नहीं मिलेगा जितना सैलरी आपको अटेस्टेशन पे मिलता है। अटेस्टेशन हो गया तो आपको जो लेवल का, जैसे इंजीनियर है, एक इंजीनियर का 3 लेवल होता है, ऐसा नहीं है इंजीनियर पोस्ट में आया और उसका सैलरी सेम, पूरा इंजीनियर का सैलरी सेम रहेगा या पूरा उसका कैटेगरी सेम रहेगा, काम से रहेगा, फैसिलिटी सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। नया जो इंजीनियर आता है, जो लोग नया और एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग का अलग कैटेगरी रहता है, जैसे ए ग्रेड बी ग्रेड रहता है, तो ये हिसाब से भी इधर भी रहता है, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड ऐसा रहता है। तो ये हिसाब से आप लोग को अपना अंदर जितना आप लोग अच्छा बनाएगा अपना सर्टिफिकेट को, अपना टैलेंट को, अपना एक्सपीरियंस को, वो हिसाब से आपको वो पोस्ट मिलेगा, और वो पोस्ट का हिसाब से वहाँ का जो पैकेज होता है सैलरी का, आपको अलाउंस देने का या आपको अकोमोडेशन का, आपको लीव जाने का, जो भी सारे बाकी बोनस का, वो आपको वो हिसाब से मिलेगा। तो यही था छोटा सा वीडियो में आप लोग को बताने के लिए, ये आप लोग का कमेंट्स का वीडियो है कि अटेस्टेशन करने के बाद क्या क्या फ़ायदा होता है, आप लोग शायद समझ गया होगा, और भी बहुत सारे फ़ायदा है जो हम एक एक करके बताएगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। ऐसे भी मेरा कोई भी वीडियो
मेरे को जो रिपोर्ट मिलता है कि उसमें से 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बनाएगा तो आदमी 1.5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ही देखता है और उसको कोई स्किप करके फिर लास्ट में थोड़ा देखता है, ऐसा होता है। तो मतलब मेरा वीडियो जो बन रहा है वो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जो मैं इतना लंबा बात करता हूँ और कोई उसको सुनता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा आदमी नहीं सुनता है, बहुत आदमी भी सुनता है, स्किप करके करके थोड़ा ज़्यादा देखता है। जैसे 15 मिनट का वीडियो को है तो 7 मिनट 8 मिनट देख लेता है, लेकिन कम्प्लीटली कोई भी वॉच नहीं करता है। तो इसके लिए आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट होगा, आप मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास पहुँचने के लिए आपका वॉच टाइम ज़्यादा होना चाहिए, फुल आपको वीडियो देखना चाहिए, उसमें एक लाइक करना चाहिए, और आपको अच्छा लगता है या कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट्स करके भी पूछ सकता है। सही है, ये था आज का ये वीडियो में आप लोग को बताने का कि आर्टिस्टेशन सर्टिफिकेट जो होता है, हम लोग का जो कोर्स है डिप्लोमा डिग्री और हमारा जो अपना अपना अंदर में आईटी का जो भी है अपना कोर्स जो आदमी किया है उसका ऊपर आपको सर्टिफिकेट अटेस्टेड करना चाहिए। अटेस्टेड एक बार होना होने के बाद आपका फिर अलग टाइप का एक चार्म आ जाएगा, अलग टाइप का आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो आपको कोई भी कंपनी आसान से ले लेगा। सही है, तो चलिए ये वीडियो इधर ही ख़त्म करता है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इंजीनियर के बारे में बताया कि इंजीनियर का लेवल कितना होता है, कैटेगरी कितना होता है और किस कैटेगरी में किस पैकेज मिलता है, कितना सैलरी मिलता है, कितना फैसिलिटी मिलता है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा।